मैंने कहा जनाब साधरी जी साहब ने अगर ये हुक्म दिया है तो आप उन्हें ले आइए, वो यहाँ पे आके आराम फरमा देंगे, हम जनाब अपने घरों में चले जाएंगे। बाकी सादा कागज पे साइन लेके ऊपर तहरीर करनी, अपनी मर्जी की बदमाशियां लिखनी, एक बात याद रखना, मैं दोपहर को भी इसका जवाब दे चुका हूं कि हिरासत में लिया गया बयान वो तो मुझे इमरान खान आवे करने के लिए देते, वो खुद कहेगा कि मैं रा का एजेंट हूं। आप जो मर्जी कहें, मैं उसको कहलाने को कहेगा मैं न्याजी नहीं हूं जी, मैं न्याजी नहीं हूं, मैं शियाजी हूं, वो कुछ और कहना शुरू कर देगा। आप मुझे जनाब शेख रशीद साहब दे दे, वो कहेगा मैं शेख नहीं मैं न्यासी हूं। तो हमारे मुलाकाती कमेटी के मेंबर अल्लामा गुलाम आजाद साहब फैजी बैठे हैं, किसी तेलुगुया चैनल के ऊपर लाइव आप भी आ जाइए, हम जनाब आला हमारे मेंबर मुलाकाती टीम आपसे बात करते हैं ताकि दुनिया के सामने वादे हो जाए सच क्या है और झूठ क्या है। लिहाजा उतना बंदे को चबल मारनी चाहिए जो चचे भी चाहिए, थोड़ी बहुत बंदा को बैलेंस करता है, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि बंदा कोई इस तरह की अजीब सी बात करे जो अकल से भी बालतर हो, समझ से भी बालतर हो। लिहाजा आप हिसाब किताब से वैसे भी इनको मुबीन सबको रखते ही इसलिए है कि जो हुकूमत ने चबल मारनी है ये रफू करने का काम करते हैं, तो लिहाजा जनाब यहाँ पे रफू होने वाला तो बकी उतरे हुए हैं, आप किस किस चीज को जनाब रफू करेंगे। बहरहाल ये धरना उस वक्त की उठेगा जब फ्रांसीसी सफीर जाएगा और साथ भाई आगे आपके कहने दुआ करके आप घरों में जाए सामान उठा ले चोरियां करे बंदे जनाब आला बंदे उठाए और कहीं से अगर कारकुन ना मिले तो फिर वहां से खबर थी और बच्चों को दूध भी थे, बच्चों को भी आप उठा के हमारे हाथ में बंद करते हैं, तो ये तरीके कार है, ये तामन करे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा को कौन करे और हुक्मरानों अपने मफादात की ताकत इदारों को तबाह ना करो, पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, इसकी कदर करो, अपने थोड़े से मफाद की खातिर इसके इदारों को तबाह और बर्बाद ना करो। ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान की अमलाक हमारी है, ना हम इसकी अमलाक के दुश्मन हैं ना हम इसके इदारों के दुश्मन हैं। मैंने पहले भी कहा है तो आपके सामने अगर आपको याद हो कि साहब ने कहा कि अगर आप पे ऑपरेशन होता है तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा हम तो तैयार बैठे हैं, कहते आप करेंगे क्या, मैंने कहा ये नहीं है कि वो बंदूक लेके आएंगे तो हम भी बंदूक उठाएंगे, भाई बात इतनी है हम ना मुसल्ला जद्दोजहद हमने शुरू की अपने मुल्क में, ना हमने बंदूक उठाई ना हमने बम चलाया ना खुद को सफाकों के कल्चर को प्रमोट किया, हमने एक बात की है जरूर कि ये गर्दन हमने रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रखी हुई है, हमने ये गर्दन रसूलुल्लाह के दीन के लिए रखी हुई है। हाँ अगर 30 लाशें पहले गिरा के आपका पेट नहीं भरा, आपके जनाब आला मजीद खून देखने का इरादा है तो हम आपको 30 लाख जितना जनाब को चाहिए वो सारा लहू देने को तैयार है, लेकिन नजरिया हमारा वही है कि मन सबका नबिया नबिया नबिया।